हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को दो पार्ट में कवर करने का। तो आज के जो सेशन बनने जा रहा है वो पहला सेशन है, पहला सीरीज है, पहला पार्ट है। आज का जो टॉपिक है वो टेक्निकल बेस्ड पर है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, वो वेव्स पर कहाँ बनते हैं और कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस की रीडिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। हमें ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा कैंडल पैटर्न कहाँ बनना चाहिए। काम सारे करते हैं और हमें आइडिया नहीं है एग्जैक्टली वो कहाँ किस जगह पर फॉर्म होते हैं और उसका नेचर कैसा होता है और कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसा वो इसका रिजल्ट आता है। अब हमें पता ही नहीं था कि कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ बनता है, तो उसका रिजल्ट हमने जो देख नहीं पाए हैं तो उसका विश्वास कहाँ से करेंगे हम। इसीलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं बहुत कम यूज करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को, या फिर नहीं यूज करते हैं, बहुत लोग नहीं भी यूज करते हैं कैंडल्स पैटर्न को। बट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इस तरह से कैंडल पैटर्न को यूज करोगे तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं कि इसके बाद आपकी सारी कैलकुलेशन, सारी रीडिंग वेव्स पर कैंडलस्टिक पैटर्न को लेते हुए आपकी बहुत अच्छी काउंटिंग से और बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो जाएगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड चीज़ बताऊँगा कैंडल पैटर्न के और इफेक्टिव है। और इसी ध्यान में रखिएगा, बिना किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के कन्फर्मेशन के बाद आपको आगे का मूव पता नहीं चलेगा। जब तक वो कंफर्म नहीं करेगी कि ये पैटर्न बना हुआ है, आप आगे का मूव प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, आगे का मूव को आप गेन नहीं कर पाओगे। सो चलिए मैं आपको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या बनना चाहिए। तो पहला सेशन है और हम उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर जो भाई बहन इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा देना है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरे YouTube पर इलियट वेब को लेकर और एडवांस स्टडी को लेकर अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है, आपको रीजन के साथ बताया जाता है, आपके लॉजिक के साथ बताया जाता है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, तब देख सकते हो कि बोर्ड पर मैंने अप मूव लिखा हुआ है और अप मूव बनाते वक्त मैंने ये ध्यान देने कोशिश किया हूँ कि देखोगे आप तो ये आपका वन बना हुआ है, ये टू थ्री फोर और फाइव वेव है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रिट्रेसमेंट ला रखा है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है एक लाइन, उसके बाद ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, फाइव हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे कि ये टूटा और आपका ये वन बना, तो टूटने के बाद जब वन बनता है तो कहीं ना कहीं जीरो बनेगा। तो जब जीरो से मतलब जब ये आपका ये जीरो ये बन गया और आपका ये हंड्रेड बन गया। ठीक है, तो जब यहाँ से रिट्रेसमेंट लगा तो अब इसको बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट हाई बोल सकते हो, इसको आप इम्पॉर्टेंट लो बोल सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट हाई, ये आपका इम्पॉर्टेंट हाई, ये आपका इम्पॉर्टेंट लो। तो जब आप इससे रिट्रेसमेंट डालते हैं तो जो रिट्रेसमेंट आपने यहाँ पर डाला है तो यहाँ के बाद जैसे ये जीरो बना है तो यहाँ भी मैंने जीरो बनाया होता, तो जो जीरो बनता है वहाँ पर बनता है बुलिश कैंडल पैटर्न। तो बुलिश कैंडल पैटर्न जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, वीडियो इस सेशन के लास्ट टाइम में आपको लास्ट में बताऊँगा। तो यहाँ पर कैंडल बुलिश कैंडल पैटर्न बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपने रिट्रेसमेंट यहाँ लगाया हुआ है और आपका जो बुलिश कैंडल पैटर्न बना हुआ है वो बनता है 23.6% पर। ठीक है, तो 23.6% अगर बन गया, इसके बाद जब बुलिश कैंडल पैटर्न यहाँ बनता है 23.6% के बाद और उसके ऊपर और भी बुलिश कैंडल पैटर्न बनते हैं, तो ये जो यहाँ जो बना हुआ है ये आगे के मूव को क्या कर रहा है, कंटिन्यू करता है। ध्यान में रखिएगा, जो पहले बुलिश कैंडल पैटर्न बन गया है उसके बाद जितने भी बुलिश कैंडल पैटर्न बनेंगे वो यहाँ वाले जो कैंडल्स बने हैं आगे का मूव को कन्फर्म करते हैं, आगे के मूव को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो प्राइस जब चलना शुरू करती हैं तो चलते चलते जो प्राइस है एग्जैक्टली जब ऊपर जब पहुंचती है तो 161.8% जब पहुंचती है तो यहीं पर रिवर्सल हमें आइडेंटिफाई होता है, रिवर्सल हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो
तब तक रिवर्सल नहीं मिलेगा जब तक कि कोई बियरिश कैंडल पैटर्न ना बन जाए। कहां पर? 161.8% पर। 161.8% से लेकर जो भी मतलब 361% या फिर 261.8% जहां भी कोई भी पैटर्न बन गया आपका, जो भी बियरिश बुलिश कैंडल पैटर्न आप जो जानते हो वो बन गया, तो आपका यही बनना चाहिए। ध्यान रखिए ये इंपल्स का नेचर है और इंपल्स में आपको यही बनना चाहिए। ये बुलिश बन गया तो यहाँ पर आपको बियरिश बनना चाहिए। और रिट्रेसमेंट जब डालेंगे, मैंने कई बार रिट्रेसमेंट डालने उसको सिखा रखा हूँ, बता रखा हूँ, तो हम ध्यान रखिएगा आपका यहाँ बनना जरूरी है। नहीं बन रहा है ध्यान रखिएगा। जब क्या होता है कि जब हम लगाते हैं, जब पढ़ते हैं, तो 161.8% प्राइस पहुँच गई, 261.8% प्राइस पहुँच गई और हमें लगता है कि अब रिवर्सल आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। रिवर्सल तभी आएगा जब कैंडल पैटर्न बनेगी, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए बियरिश कैंडल पैटर्न बना और प्राइस जो है हमारे नीचे की तरफ आना शुरू हो गई, तो जैसे वो नीचे की तरफ आई तो आप देख सकते हो कि हमने यहां पर सेकेंड वेव लिखा हुआ है। तो मैं आपको वेव्स की काउंटिंग में बता रखा हूं कई बार कि जो सेकेंड वेव होता है वो ज्यादा से ज्यादा 61.8% और 78.6% से रिवर्सल करता है। इसके नीचे मैंने दिया नहीं है। अगर इसके नीचे आता है तो उसको मैं आगे कवर करूंगा। मैं फिलहाल आप सेकेंड वेव के लिए ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर मान लो कि ये एक्सटेंशन बन गया तो अगर प्राइस टूटती हुई आती है तो 23.6% पर भी बुलिश कैंडल पैटर्न बन सकता है, 38.2% भी बन सकता है, 50% भी बन सकता है और 61.8% भी बन सकता है और यहाँ पर लास्ट 78.6% भी बन सकता है। अगर जब तक यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब प्राइस यहाँ से चलना शुरू कर दी, जब तक कोई बुलिश कैंडल पैटर्न नहीं बनता, आप थर्ड वेव के लिए ट्रेड नहीं उठाओगे, थर्ड वेव के लिए कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है? तो ये आपका थर्ड वेव के लिए बुलिश कैंडल पैटर्न बनती है। अब बारी आती है, तो गाइस अब हम बात करते हैं थर्ड वेव के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखो कि थर्ड वेव को लगाने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्शन लगाया हुआ है। तो जब हम प्रोजेक्शन लगाते हैं, दो केस लिखा है मैंने, टर्मिनल केस लिखा है और यहाँ पर लिखा है मैंने बियरिश पैटर्न, यहाँ पर ट्रेंडिंग इंपल्स लिखा है और यहाँ पर लिखा है बियरिश पैटर्न। तो जब आप लगाते हैं तो ये जो ग्रीन कलर की गई है तो टर्मिनल इंपल्स पर भी बियरिश पैटर्न बनना चाहिए। अगर यहाँ पर बियरिश पैटर्न बन गया टर्मिनल इंपल्स पर, ध्यान रखिएगा, तो आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए, समझना पड़ेगा कि प्राइस अब हमारी नीचे के साइड आने को तैयार हो रही है, प्रिपेयर हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपका बियरिश पैटर्न बन सकता है टर्मिनल केस पर भी। और प्राइस जब ऊपर की साइड जाती है तो ट्रेंडिंग बनता है, तो यहाँ पर बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और मैंने दे रखा है कि 61.8% से लेकर 161.8% तक का भी मूव दे रखा है मैंने। इस केस में अगर कहीं भी अगर आपको बनता है बियरिश कैंडल पैटर्न, मान लीजिए कि 100% बन गया तो ये ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगा। मान लीजिए कि 127% बन गया तो ये ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगा। पावरफुल का मतलब अब आगे मैं बताऊंगा कि सेकेंड सीरीज में कि कितना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, कौन सा पैटर्न बनना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ बन गया 161.8% बन गया, फिर तो वो प्राइस आपको इस मूव के लिए लेकर आएगी, चौथे वेव के लिए लेकर आएगी। और अगर प्राइस नहीं बनती है, कोई पैटर्न नहीं बना, कोई बियरिश पैटर्न नहीं बना, फिर तो प्राइस यही की प्राइस जो है ट्रेंडिंग इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ट्रेंडिंग इंपल्स कन्वर्ट होगी तो आप देखो कि 161.8% पर आपकी कैंडल पैटर्न बनना चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्ड वेव के, फोर्थ वेव के लिए। तो देखोगे तो फोर्थ वेव के लिए यहां पर प्राइस जो है, यहां पर मैंने क्या किया है, फोर्थ वेव को मैक्सिमम 61.8% रखा हुआ है और ये इसके नीचे फोर्थ वेव इनवैलिड हो जाती है। मैं आपको बहुत बार बता रखा हूं। तो यहां पर जब आप रिट्रेसमेंट डालते हो तो 23.6% से लेकर 61.8% तक मैंने इसको मेंशन किया हुआ है कि बुलिश कैंडल पैटर्न बनना चाहिए। ये जितने भी पैटर्न्स मैं आपको, जितने भी मैं आपको रेशियो दे रहा हूँ, कैंडल पैटर्न के ही रेशियो दे रहा हूँ मैं आपको, कैंडल पैटर्न पे यहीं पर बनना चाहिए। इसके पास नहीं बन रहा है, इसके आस पास नहीं बन रहा है, तो सारे कैंडल पैटर्न क्या है, इनवैलिड हो जाएंगे आपके। इसको बड़े सीरियसली पढ़िएगा, इसको बड़ा सीरियसली समझिएगा। अगर आपको नहीं पैटर्न समझ में आ रहा है तो मैं कैंडल पैटर्न बता दूंगा कौन कौन से कैंडल पैटर्न्स होते हैं, लेकिन आपके जो भी कैंडल्स पैटर्न्स हैं वो इन्हीं रेशियो में बनना चाहिए जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। नहीं बन रहा है छोड़ दो, ट्रेंड कंटिन्यू होगा,
बन गया पोजिशन बनाओ, नहीं बना कंटिन्यू होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जाहिर सी बात है हम रिट्रेसमेंट डालते हैं, तो रिट्रेसमेंट हम जब डालते हैं तो यहाँ से डालते हैं 3 से 4 तक का, तो हम ज़्यादा ज़्यादा जो फिफ्थ होती है कम से कम हम जो लेके चलते हैं वे फिफ्थ को, तो लेके चलते हैं 127 से 133%, उसके ऊपर 160, 200, 261% इस तरह से मूव वे फिफ्थ का हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको बियरिश पैटर्न बनना चाहिए, जब बियरिश पैटर्न बनेगा तभी आपकी एबीसी स्टार्ट होगी, अदरवाइज वेव फिफ्थ क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। जब तक बियरिश पैटर्न इन रेशियो पे नहीं बनेगा वेव फिफ्थ में, तब तक वो ट्रेंड कंटिन्यू जा सकती है, बना आपकी एबीसी की तैयारी स्टार्ट। इस रेशियो पर नहीं बन रहा है तो नहीं बन, तो नहीं ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ट्रेंड कंटिन्यू नहीं बन रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बन गया तो आप एक्शन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं डाउन मूव का, ये तो अप मूव का रहा, तो अब मैं शुरुआत करता हूँ डाउन मूव का। तो डाउन में भी जैसा है कि आप समझ सकते हो कि जो मूव आती है वो ए बी सी, मतलब यहाँ से जो प्राइस वे फिफ्थ है की तरफ का मूव है, और यहाँ पर आपका वे फिफ्थ बन गया, उसका जो ए बी सी या इम्पल्स में जैसे ही प्राइस आती है वो ये वाला मूव है, ठीक है। इसके बाद जो प्राइस जो बनता है यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग बन गई है, सॉरी बियरिश कैंडल पैटर्न बनना चाहिए यहाँ पर। तो ये मैंने रेशियो मेंशन किया हुआ कि जो रेशियो है ये वे फिफ्थ की 127 से लेकर 133 तक होना चाहिए था, होना चाहिए तो यहीं पर बनना चाहिए, बनना चाहिए, उसके बाद प्राइस कंटिन्यू डाउन। इसके बाद क्या होगा कि जब प्राइस मूव करेगी, ये जो 161% देख रहे हो, ये जो ये है 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। वैसे क्या होता है कि जैसे कि 1, 2, 3, 4 जब ड्रॉ करते हो तो जो ए बनता है ये बनता है 38.2% पर, यहाँ पर ध्यान रखना है जो ए बनेगा इधर, ठीक ना। इसके बाद जो बी बनेगा वो इसका 61% फ्लैट में बन सकता है, तो ये जो मूव है ये 38.2% है 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, बाकी डेली टाइम फ्रेम पर वो 38.2% ही मिलेगी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जब प्राइस मूव करती है तो आप ध्यान रखोगे कि जब मैंने यहाँ पर रखा हुआ सेकेंड वेव यहाँ भी, तो सेकेंड वेव 78.6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और यहाँ पर आपका बियरिश कैंडल पैटर्न बनना जरूरी है, नहीं बन रहा है बियरिश कैंडल पैटर्न नहीं बन रहा है, आप ये जो सेकेंड वेव नहीं होकर कुछ और वो हो सकती है जो बी की तरफ भी जा सकती है, और बी आपको आगे मैं बताऊँगा कि बी कितना है, तो ये ध्यान में रखिएगा 78.6% मैक्सिमम है, वो हो सकता है कि वो 38.2% ही बना दे, हो सकता है कि 50% ही बना दे, हो सकता है कि 61.8% ही बना दे, इसीलिए मैंने 78.6% मैक्सिमम में रखा हुआ है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप देखो तो थर्ड का प्रोजेक्शन किया हुआ मैंने यहाँ पर, तो थर्ड का जो प्रोजेक्शन मैंने किया है उसमें आप देखोगे ये चीज कि ये जो मूव देख रहे हो आप थर्ड, जैसा अप मूव में बताया था वैसे डाउन मूव में देखोगे तो ट्रेंडिंग इम्पल्स टर्मिनल इम्पल्स मैंने बना रखा है, तो टर्मिनल इम्पल्स में यहाँ पर 61.8% पर आपका बनना चाहिए क्या नाम है बियरिश, यहाँ पर शायद डाउन ट्रेंड में अगर बनता है तो यहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न बनेगा तभी सेकंड में बनेगा, और यहाँ पर सॉरी हमें यह बताना था ना, सॉरी यहाँ पर काट देना चाहिए। अब हम बात करते हैं डाउन साइड के थर्ड वेव की, तो आप देखोगे तो ट्रेंडिंग इम्पल्स पर क्या बनना चाहिए, बुलिश कैंडल पैटर्न बनना चाहिए, आप देख सकते हो तभी तो प्राइस हमारी क्या करेगी चौथे वेव में इंटर करेगी, अगर बुलिश कैंडल पैटर्न नहीं बनी तो यह नहीं बनेगा। और यहाँ भी मैंने 61.8% मेंशन किया हुआ क्योंकि इसके बाद फोर्थ इनवैलिड बन जाती है, तो बियरिश कैंडल पर चौथे वेव की जो बियरिश कैंडल पैटर्न होती है वो 23.6% भी हो सकती है, 38.2% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, मतलब मैक्सिमम जो है 61.8% है, इसके ऊपर नहीं। तो मैंने डाउन मूव अप मूव दोनों बता दिया है, अब हम बात करते हैं कि एबीसी में कैसे बनता है इस पूरे मूव के एबीसी पर। तो गाइज आप देख सकते हो इस चार्ट को मैंने पूरा बड़ा किया हुआ है, और इसमें हम जो देख रहे हैं कि जो प्राइस है आपकी, ये एबीसी है, ये ए और ये बी, यही मूव है,
तो आप देख सकते हो कि जब प्राइस, जब ये एबीसी मतलब यहाँ पर वेव फिफ्थ हो सकता है, वेव फोर्थ हो सकता है, मतलब जो भी मतलब करेक्शन स्टार्ट करेगी, तो यहाँ पर पूरे मूव पर जब बनेगा यहाँ पर बियरिश पैटर्न, कैंडल पैटर्न बनेगा ऊपर, और उसके बाद 161.8% जैसा मैंने आपको बताया था कि 161.8% स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, और क्या नाम आपके डेली के टाइम फ्रेम पर 38.2% बनेगा, ठीक है। तो बुलिश कैंडल पैटर्न बनी, तभी जाके हमारा बी बना। अब देख सकते हो कि जो बी है यहाँ पर, यहाँ पर मैंने बी रखा हुआ है 111% तक, 111% इसलिए रखा हुआ हूँ, जो रेड वाली है वो यहीं तक गई है आपकी 61.8%। तो अगर जो बी है अगर 61.8% जाती है, तो वैसे बी तो 38.2% से स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने 38.2% पे भी रखा है, बी बन सकती है, 50% भी बन सकता है, 61.8% भी बन सकता है, लेकिन जैसे वो क्रॉस करती है 61.8%, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 111% पर हम बेयरिश कैंडल पैटर्न देख सकते हैं। बहुत बार आपको मिलेगा ये कि अगर 111% पर बेयरिश कैंडल पैटर्न बनता है, अगर नहीं बन रहा है तो वो प्राइस जो है इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद सी, अब सी के मैंने प्रोजेक्शन किया हुआ है, तो ये 161.8% पर बनता है, यहाँ पे भी बन जाता है, 161.8% भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा आपका सी, यहाँ भी बन सकता है बुलिश कैंडल पैटर्न। ये बुलिश कैंडल पैटर्न है क्योंकि यहाँ पर रिवर्स करेगी तो बुलिश कैंडल पैटर्न, सॉरी ये बेयरिश लिख दिया मैंने, ये बुलिश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये एबीसी अपसाइड के लिए है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो डॉट यहाँ पर चला हुआ है, ये डॉट ऊपर से नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ से जब प्राइस मूव करेगी तो यहाँ पर जो रेशियो मैंने डाला हुआ है, ये बुलिश कैंडल पैटर्न यहाँ बनेगा, तभी प्राइस आगे की तरफ मूव करेगी, और जब मूव करके ऊपर जब जाएगी तब ए जहाँ बनेगा, तो ए पर आपका यहाँ पर बियरिश सेटन पैटर्न बनना चाहिए, तभी प्राइस को क्या करेगा ये सी की तरफ लेकर आएगा। तो आप देख सकते हो मतलब ये एबीसी ऊपर साइड के लिए है, ये तो आप यहाँ पर बेरिश कैंडल पैटर्न बना, तो जो बुलिश पैटर्न है यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर सेम चीज मैंने वही किया है, 38.2% से लेकर मैंने 111% दिया हुआ है, कहीं भी इन रेशियो पर 38.2% से लेकर 50% से लेकर 61, 71, 90% कहीं भी, या 111% कहीं भी यह बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग लेना है, पोजिशन बनानी है। आगे हम बढ़ते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर जब सी बनती है तो सी पर हमारा कितना बनता है, मैंने 100% रखा हुआ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 161.8% हो सकता है, हमें स्पेस नहीं मिला इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो बियरिश कैंडल पैटर्न वहाँ पर बनना चाहिए। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि वेव्स पर कहाँ कहाँ पैटर्न बनते हैं कैंडल पैटर्न, आने वाली जो वीडियो बनेगी उसमें बताऊँगे कौन कौन से कैंडल पैटर्न आपको पढ़ना है, कौन कौन से कैंडल पैटर्न आपको जानना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का ढेर सारा प्यार देंगे, और आपको जो समझ में आए मुझे कमेंट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो कैंडल पैटर्न मैं ही दूंगा वही काम करेगी, आप अपने कैंडल पैटर्न भी इन सारे रेशियो पर आप लगा सकते हो, चेक कर लेना कि उसमें काम हो रहा है कि नहीं कर रहा हो रहा, तो मुझे बताना, मैं भी थोड़ा सा रिसर्च करूंगा उस पर, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना।